कुलकर्णी का स्वभाव था वो उसने किया, और जो हम सबका स्वभाव है वो हम करें। नहीं नहीं बाबा, आज हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देवा, कुलकर्णी बहुत फुदकता है, पालकी यात्रा से उसकी बोलती बंद हो जाएगी। शिरडी में आपके भक्तों का रग रग में भक्ति का संचार हो रहा है। उस डोंगी पाखंडी को बाबा नहीं बोलने का। वो डाकुओं का सरदार है, वो डाकुओं को पना देता है। हर बीतते दिन के साथ वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें बहुत अक्षेद। उस पाखंडी का समर्थन पाकर शिरडी वालों का साहस कितना बढ़ गया है। जो कल तक मेरे सामने आंख उठाने का भी साहस नहीं कर पाते थे, आज मेरे सामने नाच नाच कर आंखें दिखा रहे। श्रीधर को कोपर गांव भेजा था, तो वहां से वापस आ गया। बुलाओ श्रीधर। कुलकर्णी बाबू, एक खबर है। कल रात जो गश्ती पुलिस दरोगा डाकुओं के सरदार को बंदी बनाने मस्जिद गया था, उसने कोपर गांव वापस जाकर आज सुबह साहब बहादुर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। पर क्यों? विस्तार से तो नहीं पता, पर सुनने में आया है कि उस पाखंडी में उसे अपना भगवान नजर आया। उसकी इस बात से साहब बहादुर भी बहुत नाराज है। नाराज हो गए? साहब बहादुर नाराज हो गए? फिर हम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? पाखंडी की पाल की देख रहे हैं। चुप रहो। डॉक्टर कुपर का उतला चला। लुक थाना जी, तुम्हारे दिमाग में एक एक वहम बैठ गया। सो आई विलियम साहब ने तुम्हारे लिए एक फादर को बुलाया। एंड बिलीव मी, यू विल फील रियली रिलैक्स्ड आफ्टर मीटिंग हिम। एंड बी ब्लेस्ड माय सन। साहब बहादुर ने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ वहम हो गया है। नहीं फादर, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। यही तुम्हारा वहम है कि तुम्हें कोई वहम नहीं हुआ है। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को सुनकर तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा माय सन। आंख बंद करके तुम इस प्रार्थना को सुनो। Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Tana ji, कैसी लगी प्रेयर? बहुत अच्छा फादर, मन को बहुत शांति मिली। मैं तो रोज इस प्रेयर को गाता हूं। तुम इस प्रेयर को गाते हो? जरा हमें भी तो सुनाओ। आप इसे प्रेयर कहते हो और हम इसे चालीसा कहते हैं, हनुमान चालीसा। चार युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अवसर दीन जान की माता। जय श्री राम। नहीं नहीं ये नहीं, हमने तुम्हें ये प्रेयर नहीं सुनाई थी। पर मैंने तो यही सुनी फादर। लगता है वहम का भूत बहुत ऊपर चढ़ गया है। मैं पवित्र क्रॉस तुम्हें छुआ कर वहम उतारूंगा।
अब कैसा आभास हुआ ताना जी? अद्भुत आभास था फादर, ऐसा लगा जैसे मेरे आराध्य हनुमान जी स्वयं अपना हाथ मेरे सर पर रख कर कह रहे हो कि ताना जी तुम डरना नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ। आप बहादुर से बात करनी ही पड़ी थी। फादर आपका धर्म बहुत महान है, उसने संसार को सेवा का मार्ग दिखाया, पर हमारा धर्म संसार के सभी धर्मों का जन्म देता है। हमारे धर्म ने संसार को प्रेम, अपनत्व और अहिंसा का संदेश दिया है, इसलिए मेरे अनुभव को मेरा वहम न माने फादर, मुझे वही दिखा जो मेरे धर्म का संस्कार है, और आपने वही किया जो आपके धर्म का सीख है। धर्म का पहला कर्तव्य है मनुष्य की चेतना जगाना। वो जिस स्तर पर वास कर रहा है उसे उस स्तर से ऊंचा उठाना धर्म का निर्धारित कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही तो किया था। उन्होंने अर्जुन को उसके वर्तमान स्तर से बहुत ऊपर उठा दिया था, पर कुछ लोगों ने महान धर्मों को अपने व्यापार का साधन बना लिया। जीसस तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। क्रूस पर लटकने से मिले कष्टों से भी अधिक कष्ट प्रभु यीशु को ऐसे लोग पहुंचाते हैं। उन्हें माफ कर देना, वो अज्ञानी नहीं जानते कि वो क्या पाप कर रहे हैं, तुम्हें कितने कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ साई, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी माई, बात यहां की नहीं कहीं और की हो रही। मिस्टर विलियम, दिस इज नॉट एन इल्यूजन, देयर सीम्स टू बी ए बिग कॉन्स्पिरेसी against the British government. Really, Father. Father Martin से सारी बात सुनकर कोपरगांव के कलेक्टर विलियम को साईं बाबा पर संदेह होने लगा। उसका अनुमान था कि शिरडी में बैठकर साईं बाबा शिरडी के भोले भाले गांव वालों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। विलियम को इस बात का एहसास हो गया था कि साईं बाबा की प्रतिष्ठा शिरडी में धर्म गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं साईं बाबा के विरुद्ध कार्रवाई करने पर शिरडी में धार्मिक तनाव अथवा दंगा फसाद न शुरू हो जाए, इसलिए विलियम ने बहुत सावधानी से साईं बाबा के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया। शिरडी को बचा लीजिए, वो बर्बाद कर देगा मेरे शिरडी को। साहेब बहादुर, हे यू, तू बिना पूछे अंडर खाई से आया।
लगा के। लगाते जा रहे हो साहब, ये लगा। हर साल साहब बहादुर को लगान चुकता करने आता हूं साहब। ठीक तो है कुलकर्णी? अब तक तो सब ठीक है साहब बहादुर, आपका रहम वो करम, लेकिन आगे ठीक होगा ये कह नहीं सकता। इस साल तो लगान चुकाया, लेकिन अगले साल चुका पाऊंगा ये कह नहीं सकता। साफ साफ बात कहो, बात क्या है? ये पूछिए साहब बहादुर की बात क्या नहीं है। मैं तो राजशाही के वक्त से ही कंपनी का वफादार रहा हूं। आपको तो याद होगा ना साहेब बहादुर, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की, लेकिन शायद आगे आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। What you saying? ये क्या बोलता है? शिरडी में न जाने कहां से कुछ देर पहले एक बाबा आ गया। तुम साईं बाबा का बात कर रहा है? लेकिन साहेब बहादुर आप उसे जानते हैं? सुना है उसके बारे में। खैर अपनी बात पूरी करो। वो ठीक आदमी नहीं है साहब बहादुर। अगर आप अकेले में होते तो मैं ठीक से बहुत कुछ बता पाता, लेकिन आपको तो पता ही है दीवारों के भी कान होते हैं साहब बहादुर। टेक कुलकर्णी टू राष्ट्रो एंड यू कम बैक। यस योर हाइनेस। साई बाबा इज बिगर देन यू थॉट। सावधान रहना, नहीं तो उनके क्रूर चक्र में फंसकर तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और एक बार दामन में दाग लग जाए तो आसानी से साफ होने का नाम नहीं लेता। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। कुलकर्णी लुक्स रियली नर्वस। ही इज वेरी क्रेजियस मैन। ऑल द टाइम ही हैज सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट आजकल वो थोड़ा कुछ नर्वस सा लग रहा है। What is the reason of his fear? Those who were afraid of him till yesterday have started uniting, raising their voices after getting Sai Baba's support. You are right, Rick. You know, अगर वो पाखंडी बाबा शिरडी के लोगों के बीच में इस कुलकर्णी के खिलाफ खड़ा हो गया तो शिरडी का लोग हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है। Why don't we arrest this Sai Baba? शिरडी गांव के पुलिस पाटिल कुलकर्णी की शिकायत सुनकर कोपर गांव के कलेक्टर विलियम को इस बात का एहसास हो गया कि वो जितना सोच रहा है बात उससे आगे जा चुकी है। विलियम को याद था कि कुलकर्णी ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है। उसे इस बात का अंदेशा था कि आज साईं बाबा के उकसाने पर जो कुलकर्णी को आंख दिखा रहे हैं कल वे ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। विलियम ने साईं बाबा पर नजर रखने के लिए जासूस तैनात करने का निश्चय किया। सुना मालिक, अब तुम्हारे अलावा भी मुझ पर नजर रखने वाले शिरडी आ रहे हैं। राम जी भला करेंगे।
तो तू क्यों डर रहा है? तू तो अपने जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे चुका है। मालिक, मालिक तुम यहां? डर का रहा हूं मालिक। वैसे भी सांच को आंच कैसी? डरते तो वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं। जानता हूं तू तो जन्म से ही निडर और साहसी है, परंतु तेरे जैसे निडर और साहसी को भी एक बात से सावधान रहना चाहिए। कौन सी बात मालिक? वो लोग तुझे गलत साबित करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। तू तो सच्चा है पर वो सच्चे नहीं, और उनका झूठ तेरे सच को संकट में डाल सकता है। तू इस प्रकार क्यों हंस रहा है? इसलिए हंस रहा हूं मालिक कि तुम ही हमेशा कहते हो कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, और आज मुझे डराने के लिए कह रहे हो कि उनका झूठ मेरे सच को संकट में डाल सकता है। तू बहुत चतुर है, पर दुर्घटना से सावधानी भली होती है। सावधान रहना, नहीं तो उनके क्रूर चक्र में फंसकर तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और एक बार दामन में दाग लग जाए तो आसानी से साफ होने का नाम नहीं लेता। सावधान, सावधान, सावधान। खुलकर नहीं, जितना तुमसे पूछा जा रहा है उतना उत्तर दो। वो फकीर बाबा करता क्या है? तभी तो दे रहा हूं मालिक, तभी दे रहा हूं। वो कोई बाबा वाबा नहीं है। समझ गया। Oh my God! खुलकर नहीं, हम जानना चाहता है वो करता क्या है। ये पूछिए माई बाप कि वो क्या नहीं करता है। उसने श्रीडी के बोले वाले ग्रामीण को एकजुट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। वो हिंदू और मुसलमान के बीच में दोस्ती करवा रहा है। उसने पिछड़ी जाति के भीतर आगड़ों को अपमानित करने का मंत्र फूका है। आप जानते हैं माई बाप उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? उस पाखंडी की शय पाकर वो पिछड़ी जाति की मुलगी चिपरी ने मुझे शिड़ी गांव के पुलिस पाटिल को सारे गांव के सामने आग दिखाई। आपके कारण जिसके नाम से सारा गांव थर थर कांपता है, उस कुलकर्णी बाव को उस पिछड़ी हुई जाति की मुलगी ने चुनौती दी। रोटी का एक टुकड़ा मिले माई, फकीर को भिक्षा देकर दुआएं ले ले माई। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुलकर्णी जैसे रुतबे वाले इंसान को एक पिद्दी सा छोकरी धमकी दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे जरूर उस पाखंडी साईं बाबा का बहुत बड़ा खेल है। ये बगावत कुलकर्णी के खिलाफ ना है, ये बगावत ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है। माई बाप, उसने शिरडी के गांव वालों पर जादू किया है। कुलकर्णी,
हमको भी ऐसा ही मालूम होता है। वो बाबा एक जादूगर है, अपनी जादूगरी से अपने मैजिक पावर से गांव के लोगों को अपने वश में कर रहा है। इतना ही नहीं साहब बहादुर, दिन में वो गांव वालों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है और रात में डाकू और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले बगावतियों से मेल जोल रखता है। ओके, खुल कर रहे, इस बात का कोई प्रूफ प्रमाण है तुम्हारे पास? मुझसे क्या प्रमाण पूछते हैं साहब बहादुर, आप तानाजी से पूछिए। जिस रात दरोगा तानाजी अपने गश्ती दल के साथ शिरडी गया था, सबसे पहले मुलाकात मेरे से हुई थी। वो कूपर गांव से किसी का पीछा करते हुए शिरडी आया था। फिर क्या हुआ साहब बहादुर? मेरे बताने पर तानाजी अपने गश्ती दल के साथ वहां गए, तब डाकू वही था और उसे और उस डोंगी फकीर को बंदी बनाने के स्थान पर उस तानाजी ने कूपर गांव आकर आपको त्याग पत्र सौंप दिया। तुमने देखा उधर क्या हुआ था? ये तो मुझे नहीं मालूम भाई बाप, गश्ती पुलिस ने जब मस्जिद को घेरा था मैं वहां से बहुत दूर था। ओ माय गॉड, तुम इतना दूर क्यों था? तुम शिरडी का पुलिस पाटिल है, तुमको दरोगा तानाजी के साथ रहना चाहिए था। साहब बहादुर, दरोगा तानाजी मुझे पुलिस पाटिल मानने से इनकार कर रहा था, उसी ने मुझे दूर रहने की हिदायत दी थी। वो तो मुझे मारने तक पर उतर आया था, जब मैंने आपका नाम लिया तब कहीं जाकर दरोगा ठंडा पड़ गया। क्या दरोगा तानाजी का उन लोगों के साथ कोई मिली भगत है? नहीं नहीं साहब बहादुर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर उसने इस्तीफा क्यों दिया ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, खुल करने, आज का रात तुमको कूपर गांव में गुजारना होगा। अगर जरूरत पड़ा तो हम कल तुमसे फिर मुलाकात कर सकता है। यस कम ऑन। योर हाइनेस, द सर्जेंट ऑफ पेट्रोल पार्टी गोइंग टू शिरडी विद दरोगा तानाजी हैज अराइव्ड। ओके, मिले माई फकीर को भिक्षा देकर दुआएं ले ले माई। राम जी भला करेंगे। अंतर्यामी, आप तो भगवान हैं, मेरी और भगत मानसापति की बातें कैसे सुन ली? तुम तो पहले ही किसी और की शरण में जा चुके, अगर मेरी शरण में आ गए तो उसकी शरण का क्या होगा? बाबा, कौन पनौती है ये? इस संसार में बहुत से मनुष्य अपने निर्धारित मार्ग से भटके हुए हैं और मेरा मालिक ऐसे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे पास भेज देता है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।